और सीधे आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर कांग्रेस के किसान न्याय रैली को प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। उनके प्रधानमंत्रियों का की जागीर नहीं है, ये देश आपका देश है, आपका देश है, इस देश को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं, उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को, ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे आप यहां मौजूद हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने अंतर मन में झांकिए, अपने अंतर मन में झांकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? सिर्फ ये एक सवाल पूछ लीजिए और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए मेरे साथ, खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए, बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहां पर परिवर्तन आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप यहां आए, इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रियंका गांधी ने अपना भाषण, अपना संबोधन जय माता दी से शुरू किया था, जय माता दी और जय किसान के साथ खत्म किया। लेकिन इस मियाद में, इस दौरान जब वो संबोधित कर रही थी किसानों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तो परिवर्तन की बात कही, लखीमपुर का जिक्र किया, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा एक बार फिर से और कहा कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, तब तक मैं थमूंगी नहीं। उनके साथ भूपेश बघेल भी मौजूद थे, उनके साथ अजय लल्लू मौजूद हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ इन तस्वीरों में दिख रहे थे। सरकार पर निशाना साधा प्रियंका गांधी।